और भैया लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अभी गेम में तो बहुत उथल पुथल चल रहा है, सबको मालूम ही होगा कि कितना हैकर आ रहा था। तो दो तीन दिन पहले की बात है, एक भैया हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि ब्रो हैकर कम हो गया है, अब बर्लिन खेलो। तो हम गए बर्लिन खेले, जैसे खेले तो भैया बैक टू बैक दो हैकर मिल गए। मेरा दिमाग पहले से ख़राब था, वो और ख़राब हो गया। उसके बाद मेरा दिमागी संतुलन हम पूरा खो बैठे थे, तो फिर हम एकदम पागलों के जैसा रहने लगे। तो एक दोस्त आया, उससे मेरा हाल देखा नहीं गया तो मेरे को सजेशन देता है कि चलो तुमको किसी एक डॉक्टर से मिलवा देते हैं। तो वो ले गया डॉक्टर से मिलवाने के लिए। तो फिर हम गए डॉक्टर जी के पास, और फिर जब डॉक्टर जी आए तो फिर वो मुस्कुराए, और फिर हमको लगने लगा कि नहीं अब हम अच्छे हो सकते हैं। तो फिर डॉक्टर जी मेरा इलाज किए बहुत अच्छे से, अब लगने लगा था कि सब अच्छा होगा। और जब इस गेम में देखे तो भैया गेम में भी मेरा चांस आ गया, तो अब पूरा उम्मीद हो गया कि नहीं अब मेरे साथ अच्छा अच्छा होगा, अब हैकर कम आएंगे और रियल प्लेयर ज़्यादा आएंगे, तो अब गेम अच्छा जाएगा, अब कॉइंस बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आ रहा था अंदर से एकदम। इस गेम में तो ब्रेक मेरा नहीं था, फिर भी हम जीत गए। अब लग तो रहा है कि अब जीत जाएंगे, तो अब हम जीत ही गए। तो उसके बाद फिर जब ये मैच ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या था, एकदम सोच लिए थे कि कॉइंस बढ़ाना है, तो फिर एकदम बैक टू बैक बर्लिन खेलते हैं। और पिछले मैच की तरह यहाँ भी मेरे को ब्रेक नहीं मिला था, तो लेकिन ब्रेक नहीं मिला लेकिन हमको पूरा उम्मीद था कि भैया डॉक्टर साहब का आशीर्वाद है, ब्रेक चाहे किसी का भी हो जीतेंगे तो हम ही। तो हम बस इनका गेम देख रहे थे और अपने बारी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, जानते थे कि बारी आएगा जीतेंगे हम ही, चाहे भैया कुछ भी हो जाए जीतेंगे तो हम ही। आप जानते हैं ना आशीर्वाद था मेरे पे। और एक बात डॉक्टर साहब हमको ये भी बोले थे कि अब तुम हार भी जाओगे ना अगर, तो तुमको उतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दिए थे। और हमको इस टेबल का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मतलब अंदर से थोड़ा फीलिंग आ रहा था कि लगता तो है कि हम हार जाएंगे। और मजाक से हट के भैया अगर सही में इनसे बैंक शॉट चला गया ना तो सही में हार जाएंगे। देखिए जाता है क्या, जा तो रहा है लगता है। ए भैया ये चल गया और हार गए, चलो देखते हैं दूसरा अगला मैच लगा के देखते हैं। भैया फिर से ब्रेक नहीं आया, ये क्या हो रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पिछला गेम तो भैया सीधा डिनाइल पड़ गया था, इस गेम में भी चांस नहीं आया, देखते हैं हमको डिनाइल पड़ता है या फिर हमको चांस मिलता है। तो ये गेम बहुत ही दिलचस्प मोड पहुंच चुका है, आइए देखते हैं अब क्या होने वाला है। भैया जी ब्लैक को किस तरीके से तोड़ते हैं, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना इस मैच में कि आखिर ये ब्लैक को ये ब्लैक को ये तोड़ते कैसे हैं। कोशिश तो बहुत ज़ोर से किए थे ये ब्लैक तोड़ने का, लेकिन इनसे ब्लैक टूटा नहीं और ऊपर से जाके बॉल फंस चुका है। अब ये रेड को किस तरीके से लेंगे ये देखने वाली बात होगी। ये रेड तो गया नहीं और ऊपर से मेरा ही बॉल चला गया, मेरा बॉल नहीं छोड़ो। अब जब चांस मेरे हाथ में आ गया है तो ब्लू को लेके बोर्ड शुरू करते हैं, उसके बाद यहाँ से पर्पल चला जाएगा, हल्का सा बैक स्पिन लेंगे जिससे कि मेरे पास रेड को खेलने के लिए पोजीशन बन जाएगा। इसको बहुत हल्का से खेलेंगे, उसके बाद फिर मेरा ऑरेंज पे पोजीशन बन जाएगा, ऑरेंज पे खेलने के लिए हम फिर हल्का सा बैक स्पिन लेंगे जिससे कि मेरा बॉल ऊपर चला जाएगा। जब बॉल ऊपर चला जाएगा तो फिर ब्लैक के लिए बहुत एकदम मक्खन सा पोजीशन बन जाएगा, और यहाँ से एक मक्खन सा बैंक शॉट लेके बॉल को पॉकेट में भेज देंगे जिससे कि मेरे पास कॉइन ही कॉइन हो जाएगा, बहुत सारा कॉइन हो जाएगा, हम कॉइन के बादशाह हो गए हैं। पिछला ब्रेक मेरा नहीं था तो फिर सोचा अगला चांस मेरा आएगा, इसलिए अगला बर्लिन लगा और मेरा चांस था, मेरा ब्रेक था, तो हम ब्रेक कर दिए। लेकिन ये क्या, वाइड बॉल कहाँ जा रहा है और ये कहाँ चला गया। अब हमको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि डॉक्टर साहब कहीं गलत आशीर्वाद तो नहीं दे दिए, पता नहीं मुस्कुरा रहे थे थोड़ा सा, लेकिन अब पता नहीं कौन सा आशीर्वाद दे दिए। भैया गलत इलाज का तो गलत उपाय नहीं कर दिए कहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनका सारा बॉल ओपन है यार। अब ये एक एक करके बॉल को ख़त्म करते जाएंगे और ब्लैक पे पोजीशन बना देंगे। अब ब्लैक पे कैसे पोजीशन बनाएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन अब सिर्फ ब्लू ही बचा हुआ है और ये ब्लू भी चला गया। अब देखने वाली बात है कि ये ब्लैक को कैसे लेने वाले हैं। अरे भैया ये सब क्या तमाशा बना हुआ है भाई, अगर ये ट्रिक शॉट था ना बहुत बढ़िया ट्रिक शॉट था, लेकिन अगर जैसे तैसे गया है तो क्या कर सकते हैं, अब गलत आशीर्वाद ही पड़ गया लगता है। लेकिन बोले थे कि दर्द नहीं होगा, तो अब थोड़ा थोड़ा दर्द फील हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ना हो। तो अब ये इनके पास अब सिर्फ रेड बचा हुआ है, अब ये रेड भी चला जाएगा तो ब्लैक के लिए पोजीशन ये बना सकते हैं अगर चाहें तो। ये पोजीशन बन नहीं यार, एंगल नहीं है, नहीं एंगल नहीं है, अब ये कैसे जाएगा, ये जा ही नहीं सकता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है,
आते हैं हम थोड़ा देर में आते हैं भाई। अब छोड़ो अगला मैच, चलते हैं, हार जीत तो लगा हुआ ही रहता है, यहाँ मेरा ब्रेक है, ब्रेक करते हैं, अब ब्रेक टू फिनिश करेंगे, यही कोशिश रहेगा। अरे ये क्या हो रहा है, फिर से वाइट बॉल चला गया भाई, फर्जी डॉक्टर से इलाज करवा लिए लगता है, दोस्त मेरे को धोखा दे दिया लगता है, दोस्त डॉक्टर मिले हुए थे और फिर मेरा गलत इलाज हो गया भाई, मेरे साथ अन्याय हो गया है। अब छोड़ो, देखते हैं इसमें चांस मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर कायदे से देखा जाए तो भैया इनका ब्लू बॉल फंसा हुआ है, बाकी सारा बॉल तो ओपन है, बस ब्लू बॉल को जैसे तैसे अगर ये खोल लेते हैं तो फिर इनका मैच इनके पास हो जाएगा, इनके पास। अब ये ब्लू ले रहे तो हैं लेकिन कैसे जाएगा ये, अरे भैया देखे देखे पावर पावर तो देखे, मेरे को भैया डाउट लग रहा था तो हम कर दिए, जो होगा सच्चा झूठा जो होगा देखा जाएगा। ब्लैक को कैसे खेलेंगे, देखिए देखिए फिर से ये फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे भाई, ये डाउटफुल प्लेयर है, ये गलत प्लेयर है, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा गलत है, ये सीन गलत सीन है, इसके साथ गलत सीन चल रहा है। अब यहाँ पे ब्लैक को कैसे लेता है, ये देखो पता चल गया ना, लेकिन वाइट बॉल तो इनको धोखा दे दिया और ये भैया जी हार गए। अब देखो अगला चांस तो ऑब्वियस सी बात है मेरा नहीं होता, लेकिन इनका वाइट बॉल चला गया। देखो धोखा सिर्फ अपने साथ नहीं होता, लोगों के साथ भी होता है, ये चीज़ बहुत कॉमन है वाइट बॉल का ब्रेक में चला जाना। तो अब भैया चांस मिला गया, तो इस चीज़ को तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये मैच तो हम किसी भी हाल में जीत के रहेंगे। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, बस चार बॉल ही तो बचा हुआ है, इस इनको ख़त्म करना है, यहाँ से ब्लू ले लिए, येलो मेरा साइड हो गया, अब यहाँ से रेड ले लेंगे, रेड बहुत आसानी से जा रहा है तो रेड आराम से ले लेंगे एकदम, इसमें कोई एकदम शक वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ से रेड चला गया, अब ऑरेंज पोजीशन पर तो बन गया, ऑरेंज ही लेके ख़त्म करते हैं, यहाँ पे ऑरेंज ले लेंगे तो बस हल्का सा मारेंगे जिससे कि मेरा येल्लो के लिए पोजीशन बना रहे। अब येल्लो पे भी खेल लेंगे, मिडिल पॉकेट में ही जा रहा है तो यहीं पे खेल लेंगे, थोड़ा बैक स्पिन ले लेंगे जिससे कि मेरा ब्लैक के लिए पोजीशन बन जाए, पोजीशन तो बन गया ब्लैक के लिए, बस ये ध्यान रखना है कि वाइट बॉल ब्लैक के साथ कोलाइड ना कर जाए आराम से, नहीं तो फिर ये आराम से चला जाएगा, और ये बहुत ही आराम से चला गया, वाइट बॉल भी नहीं टकराया, जीत गए। अब अगला मैच मेरा ही चांस आने वाला है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ ब्रेक कर दिए तो अब कोशिश यही करेंगे कि भाई इस मैच को ना प्रॉपर डिनायल दिया जाए, तो बस क्या करना है, एक एक करके बॉल ख़त्म करना है। सबसे पहले ब्लू को ले लिया हल्का सा बैक स्पिन पे जिससे कि मेरा बॉल एकदम किसी भी बॉल को खेलने के लिए आराम से तैयार हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अब मेरा ब्राउन चला गया, बॉल ऊपर आ गया, यहाँ से ग्रीन ले सकते हैं आराम से, तो यहाँ से ग्रीन ले लेंगे क्योंकि ग्रीन अभी मौका है, अभी जा सकता है, तो ग्रीन अभी ले लेंगे, हल्का सा बैक स्पिन ले लेंगे। अब यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑरेंज है एक येल्लो है, तो पहले ऑरेंज को लेके ख़त्म करते हैं, उसके बाद बॉल मेरा सा येल्लो के लिए पोजीशन बना देगा, तो अब यहाँ पे येल्लो को ले लेंगे। बस मेरा ध्यान ये रखना है कि ब्लैक के लिए मेरे को राइट साइड ही एंड करना है, तो राइट साइड तो पोजीशन एकदम मस्त वाला बन गया मक्कन भाई, ये हो गया मेरा प्रॉपर डिनायल। अब ये गेम तो ख़त्म हो गया, तो भैया चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, भैया जी नमस्ते, टाटा बाय बाय।